18 इयर्स का है और एक 10 इयर्स का है। मैं हाउसवाइफ हूँ, पर्वत पाटिया से आती हूँ। अंधेरे को चीर कर जब भोर का उजाला होता है तो उस समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना लगता है। ठीक इसी प्रकार जब अज्ञानता का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में उभरने लगता है तो भीतर के भावों की हलचल उस इंसान को थैंक्स करने पर मजबूर हो जाती है जिसने इस अज्ञानता को मिटाने का जिम्मा उठाया है। थैंक यू जीतू अंकल, दिल के देवालय से आपका स्वागत करती हूँ। आज हर्षा तिरेक से मेरा हृदय भीना भीना है, प्रसन्नता के पुष्पों से मन उपवन महक रहा है, आनंद की अमी वर्षा में आत्मा का प्रदेश प्रदेश अभिषिक्त हो रहा है और आपका धन्यवाद करते हुए मेरी रूह का रोम रोम रोमांचित हो रहा है, क्योंकि सचमुच मैंने ये रियलाइज किया है कि जिस प्रकार डूबते हुए प्राणी को बचाने के लिए एक कुशल तैराक की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे मम्मी और एक अच्छे पापा बनने के लिए इस प्रकार के पेरेंटिंग वर्कशॉप की जरूरत होती है। 4 दिसंबर के बाद मेरे जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, मेरा अशांत मन शांत हो रहा है, मैं रिलैक्स हो रही हूँ और मेरा अनावश्यक गुस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा है और यहाँ से सीखी हुई हर स्किल रिश्तों में प्रेम भरने का कार्य कर रही है। सचमुच दोस्तों, मैंने ये महसूस किया है, मैं एक स्किल जो मैंने यूज की है रिसेंट में ही वो बता रही हूँ। 12th वर्कशॉप के पहले 12th बोर्ड में मेरा लड़का फर्स्ट आया था, 91% से वो रिजल्ट लेके आया। मैंने उसे बधाई देने की बजाय, गले लगाने की बजाय, मैंने उसे कहा, राजा अगर तू थोड़ा सा और मेहनत करता, आईपीएल में नहीं इंटरेस्ट लेता, तारक मेहता में नहीं इंटरेस्ट लेता, तो शायद तू आज दिल्ली श्रीराम में एडमिशन पा लिया होता। क्योंकि उस समय मेरी अपेक्षाएं ज्यादा थी, आशाएं बड़ी थी, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद लास्ट संडे सीपीटी का रिजल्ट उसने 140 लेके आया। घर आ, मैं बाहर थी, घर पे आई तो बोला, मम्मा मुझे ना 160 की उम्मीद थी बट मुझे 140 मिले हैं। मैंने स्किल सीखी हुई थी, स्ट्रगल का संघर्ष किया मेरे बच्चे ने, तो मैंने उस संघर्ष का रेस्पेक्ट किया और बोला, बेटा मैं बहुत खुश हूँ तूने जो लिया है, आगे के लिए तू तैयार रहे। बोला उसका जब उस समय जब मैंने उसको डीमोटिवेट किया तो उसने कहा, मम्मी आप कभी खुश होती नहीं है, अब दिल्ली में नहीं मिला तो मैं कहीं और ले लूंगा। तो लेकिन इस समय जब उसका रेस्पॉन्स मुझे मिला, उसने बोला, मम्मी आईपीसीसी में मेरा 50 में एक नाम लिख लेना। मतलब उसको मोटिवेशन मिला और वो इस स्किल से ही मिला कि मैंने उसके संघर्ष का रेस्पेक्ट किया। ऑल ओवर मैं इस पेरेंटिंग से यही कहना चाहूंगी कि ये पेरेंटिंग क्या है, उलझे हुए सिरों को मिलाने आया है पेरेंटिंग, रिश्तों के टूटे पुल को बनाने आया है पेरेंटिंग, निशा के हर घाव को मिटाने आया है पेरेंटिंग, मैत्री में गुलशन बाहर लाने आया है पेरेंटिंग। अतः दोस्तों, अंत में मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप अपना समय मंदिर या धर्म स्थान में कितना लगाते हैं, मैं यह भी नहीं पूछूंगी कि पूजा या पाठ में कितना लगाते हैं, मैं सिर्फ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए आप अपना कीमती वक्त जीतू अंकल को कितना दे रहे हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स जीतू अंकल, आपने इस पाठशाला में मुझे एडमिशन दिया और आज मैं यहाँ से ग्रेजुएट होके जा रही हूँ। सच बता रही हूँ कि मैं 10th फेलियर स्टूडेंट हूँ। यहाँ आके जब जीतू अंकल ने घोषणा की कि जिन्होंने 8 सेशन या 6 सेशन यूज किए हैं उनको मैं ग्रेजुएट घोषणा कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने अपने हस्बैंड को लगाया कि मैं आज मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, डेफिनेटली मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। जीतू अंकल के लिए लास्ट में इतना ही कहूंगी कि आपका व्यक्तित्व एक जीता जागता मंदिर बने, उसमें आपकी विशुद्ध आत्मा भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो। ऑल टीम को मैं थैंक्स दे रही हूँ जो निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। थैंक यू।